ग्वालियर से जतारा टीकमगढ़ आइसर लोडिंग वाहन में सवार होकर लोग वैवाहिक समारोह के लिए जा रहे थे, जहां सुबह 6 बजे दतिया जिले के थाना दुरसड़ा के ग्राम बुहारा के नजदीक एक नाले में रफ्ता से गुजरते वक्त वाहन नाले के पानी में गिरने से 5 लोगों की पानी के बहाव में डूबकर मौत हो गई। घटना में घायल 9 व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना में 5 लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जिला प्रशासन दतिया से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन को बचाव एवं राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने प्रत्येक मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी आदि ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया। हेलो, मोहन खट्टी की बच्ची है, बिलाटी गांव के रहने वाले, जिला ग्वालियर थाना लगे। सुबह रात में गांव से निकले टीकमगढ़ जतारा से शादी करने के लिए जा रहे थे बच्ची के लिए। आज चलिए शादी से अचानक कोई सिग्नल नहीं था, कोई रोड का नाया नहीं पड़ा, पानी उस पर झोल पर जाना ड्राइवर को ठीक है सही से दिया, ना समझ पाया कांच के अंदर, नहीं समझ पाया। रोकते रोकते मैं गाड़ी अंदर थी, अंदर जाते ही 2 सेकंड के अंदर गाड़ी थी, कोई फैलने वाला उसमें जाना नहीं था, नहीं एक थोड़ा फैलने वाला था, और जैठा बच्चों को कचा पुल पे डाला भी, कुछ ऊपर गाड़ी की बाड़ी भी चलाया, कुछ लोग फंसे थे। एक मेरी दीदी भी बनती है, एक मेरी मामी बनती है, उनको भी मैंने निकाला। एक भतीजा है मोहन का लड़का है, वो गाड़ी के नीचे फंस गया, फंसने पर मान लो चलो कि वाले भी साथ करेंगे। खटीक गांव से खटीक समाज के लोग शादी के लिए जतारा रिलेटी ग्वालियर से जतारा टीकमगढ़ जा रहे थे। इसी बीच रात में जो रफ्ता है के अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें पानी आ गया, संभवतः ड्राइवर को रास्ता समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से दाहिनी तरफ वो जो उसका आइसर ट्रक है वो टॉपल कर गया। इसी वजह से अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास है इसमें करीबन 30 से 35 लोग थे, महिला पुरुष और बच्चे। 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक महिला है, एक पुरुष है और एक बच्चा है। अभी परिजनों का कहना है कि एक बच्चा यहाँ पर मिल नहीं रहा है, परंतु इसके संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी हमारे गोताखोर लगे हैं, स्थानीय गांव के लोग भी लगे हैं और JCBs भी लगे हैं, पानी का बहाव भी उतर रहा है। अभी हम लोग उसको और प्रयास कर रहे हैं कि अगर और कोई भी है तो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये आयसर गाड़ी जो अधिकृत वाहन नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन एक शादी समारोह में जा रहे थे, कई परिवार इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठे होकर करके ग्वालियर से जतारा टीकमगढ़ जा रहे थे। सुबह 5:30 से 6 बजे की घटना बता रहे हैं और सर संजय कुमार का नया रोड और पुल बन रहा है, उसके नीचे एक पुराना रफ्ता था, उस पर पानी माने आधे फीट से 1 फीट ऊपर फ्लो हो रहा होगा और उसके ड्राइवर ने क्रॉस कर जीवन पांडे से करो मुझसे बात कर परिवार के लोग करे कि लोगों ने उसको अनुमान हो गया था कि गलत जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश भी की, आवाज़ भी दी, लेकिन वो आगे निकल गया और फिर वो एक चक्का उसका जो है अगला चक्का नीचे रफ्ते के नीचे गिरा, उससे वो गाड़ी पलट गई पानी में और उसमें कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और 5 लोग की बॉडी मिली है, 5 लोग मृत हुए हैं। एकाध के बारे में इन्हें अंदेशा है, सही तो इन्हें भी नहीं पता है, लेकिन अनुमान है इन्हें, तो हम लोग ढूंढ रहे पूछ रहे हैं इनसे कि भाई उसका नाम बता दें, इसे कंफर्म होगी वास्तव में वो चढ़ा भी था, बड़े एक अनुमान से इनका यह है कि एक आध आदमी हो सकता है, तो उसके लिए अभी सर्चिंग कर रहे हैं और करेंगे अभी। तो जो घायल हुए हैं, जो मृत हुए हैं, उनको शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है, तो वो हम लोग आज शाम तक परिवार से बातचीत करके उनके बारिशों को देंगे। और जो घायल हुए हैं, 2 लोग घायल हैं, गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है, तो उनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में।
देखते हैं इसमें जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। नॉर्मली तो जो ड्राइवर था उसकी असावधानी तो है ही, और साथ में जो ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, जो व्यवस्था से जुड़े जो लोग हैं, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक घटना स्थल के उपरांत जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का कुशल क्षेम जाना एवं चिकित्सकों को समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दतिया।